बहुत ज्यादा चीजें सड़कों पर ऐसे ही डाल देंगे और उसकी बात नहीं कर रही जो आपका वेस्ट होगा, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, खाने की बात कर रही हूँ। तो खाने में इस तरह से आपने बचाना है, अगर बचा लिया तो क्या बात है भाई। यहाँ कुछ धुआं धुआं सा हो गया है, हमारे खादिम ने कोई चमत्कार किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इसको जरा सा कम कर भाई वो शाम। अच्छा ये वक्त क्या हो रहा है इस वक्त? अच्छा ये 4:05 हो रहे हैं। अभी आपको दोबारा से दिखाते, गल चुका है मुकम्मल तौर पे, ये देखें। बड़े एहतियात से इसको अलट पलट कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप कि कितना नरम है, बहुत शानदार तैयार हुए। इससे जो खुशबू मुझे आ रही है ना, कहते हैं ना जिसमें जिसमें कम मसाले, कोई चीज ऐसी ज्यादा नहीं गई है। दोबारा से चाहूंगी कि अगर ठीक है ये जो हमने तरकीब दी थी और उसके अज्जा जो भी लिखे हुए थे वो दोबारा से लोगों, हमने जो ये कबाब बताए बीफ कबाब, हाँ है तो बड़ा कम वक्त है हमारे पास। हाँ 5:15 वक्त तो बड़ा कम है मलका यालिया के पास। आज मलका यालिया का रूप थोड़ा सा बदला हुआ था, जल्दी जल्दी अब निपटाने क्या करेंगे। अच्छा आपने सारी चीजों को लेकर अच्छी तरह से क्रीमे में मिला लेना है, ठीक है, ये आपको सब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आगे 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 ये अगर ना आप लोगों को बहुत ज्यादा गिला होता है कि नहीं हमसे रह गया था, अगर सो सो कर आप टीवी खोलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज क्या बनाए। खादिम क्या फिर से वापस आ गए हैं। अच्छा अब यहाँ पर वापस इसको क्या करेंगे कि इसी तरह से लेकर जा रहे हैं गर्मा गर्म, ठीक है, ऐसे ही रखना है, बशर्ते कि गिरे ना, ठीक है। और इसी तरह से जलते हुए चूल्हे के ऊपर से जिसको भी आपने खिलाना है ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, जलते हुए चूल्हे पे ताकि वो गर्मा गर्म उतरता हुआ महसूस हो कि अभी अभी पककर निकला है। और जरा हम अपने पराठे, हमारे खादिम हमारी सीखे ले उड़े, क्या करें आखिर हम उनका। पराठे आपके सामने हैं, एक एक परत इसकी जो है ना वो जरा खुली भी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि हाँ आखिर आपने बनाया क्या है। खादिम ने बड़ा तंग किया आज के दिन, मुश्किल। अच्छा साथ में अभी बताया था आपको कि प्याज, थोड़ा सा धनिया चाहिए होगा, ये काट के रखा हुआ है। आपने ताजा ताजा देना है भाई। हम यहाँ आ सकते हैं? नहीं हम यहाँ नहीं आ सकते, बड़ी मुश्किल है, ठीक है, जिसको भी खिलाना है उस हिसाब से चीज होनी चाहिए। चलो धनिया एकदम साफ सुथरा आपने रखा हुआ हो,
यहाँ तक कि अगर आपने फ्रिज में भी रखा हुआ है तब भी, और उसे आपने अच्छी तरह से बैग में किसी उसमें थैले में करके रखिएगा, लेकिन वो उस टाइप का ना हो कि लगे कि दूध दही की थैली है। जरा आपको दिखा देते हैं, ये देखें गोश्त कैसा गला है, बहुत आला। खादिम को दाद देनी पड़ेगी, क्या बात है। लेकिन इस वक्त हाथ खोल रहे, बर्दाश्त से बाहर हो गया है क्योंकि पराठे को भी हाथ लगाए थे, और हा हा बहुत खतरनाक। बेचारी हमारी सिर्फ 3 सीखे तैयार हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर। प्याज भाई, हमारे पराठे आ रहे हैं, हमारे पराठे नहीं आ रहे। एक सेकेंड, ये नहीं आ रहा, आ जाएगा सेले जी। मुश्किल थोड़ी आसान हो गई, वरना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा जी, दोनों चीजें तैयार हो चुकी हैं, बहुत लाजवाब कबाब तैयार हुए हैं। अच्छा, हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, हमारे हम बैठ जाएं क्या, हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए हम जाने दे रहे हैं, इसको घुमा दें क्या। चले जी, यहाँ पे बैठ के जरा सा हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, क्या करेंगे कि आपसे अगर ये कबाबों की तरकीब रह गई है, और आखिरी जाहिर सी बात है सारे लोग मसरूफ होंगे, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे, किसको फुर्सत है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर चाहे फौरी रेसिपी चाहिए तो आप SMS कर सकते हैं, और अगर चाहे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी वही HC के वो जो ID बनी हुई है फेसबुक पर, आपको वहां से रेसिपी मिल सकती है। बहुत शानदार कबाब तैयार हुए हैं, और इस जैसे कबाब अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपको गलावट के कबाब बताए हैं, तो इन पराठों के साथ जरूर दीजिएगा। नान और पराठे दोनों हो चुके हैं। चले जी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, बहुत अच्छे खाने के साथ। तब तक तखलिया।